नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। कांग्रेस के संत कबीर नगर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अमरेंद्र पांडे ने 6वें चरण के मतदान में वोट डालकर बाहर निकलकर कहा, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की होगी जीत। एक तरफ लहर इंडिया गठबंधन का है, जनता संविधान बचाने, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार को लेकर मतदान कर रही है। क्या कहते हैं अमरेंद्र पांडे, सुने उन्हीं की जुबानी। इंडिया समाचार से अमरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और सर्वप्रथम हम जनपद वासियों से, प्रदेशवासियों से और अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर अधिक से अधिक संख्या में निकल के इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें और देश में हो रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और चिकित्सा के क्षेत्र में जो कमियां आ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां आ रही हैं, इसमें बदलाव करने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें, ये हमारी अपील है यहाँ की जनता से। क्या लग रहा है कि लोग किस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं? लोग बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे हैं। किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कोई फैक्ट्रियां नहीं चालू हो रही हैं, ये सब मुद्दे हैं जिसपे जो है यहाँ पे बदलाव होना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने बहुत विकास किया है और आप कह रहे हैं विकास ही नहीं है। भाजपा केवल जो है हिंदू मुस्लिम का करती है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। क्या लगता है संत कबीर नगर जिले में क्या होने वाला है? संत कबीर नगर में इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत रही है और ये लहर बस्ती में भी हमारी जो है पार्टी जीत रही है, डुमरियागंज में जीत रही है, महाराजगंज में जीत रही है, बांसगांव में जीत रही है, ये जो लोकल के एरिया हैं इसमें भी हमारे प्रत्याशी जो है बहुत आगे चल रहे हैं। संत कबीर नगर में सांसद परवीन निषाद हैं, उनके पिता कैबिनेट मंत्री हैं, इतने बड़े नेता हैं और उन्होंने बड़ा काम किया है यहाँ पर। उनका काम कुछ नहीं दिख रहा है, जो भी काम है पूर्ववर्ती सरकार जब सपा की रही है, आने जो सरकारें रही हैं उनका काम केवल दिख रहा है, ये केवल ढिढोरा पीटने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। माहौल क्यों एक तरफा? माहौल केवल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पे जो है चुनाव हो रहा है, इसीलिए जो है मुद्दा इस तरह का हुआ है। मतदान के दौरान आपने पूरे जिले में भ्रमण किया है, तो क्या लगा लोगों में, मतदाताओं में? लोगों में बदलाव की बहार है कि बदलाव किया जाए, ये पक्ष जो है बहुत मजबूती से चल रहा है कि बाहरी भगा के जिले के प्रत्याशी को जो है अपना जनप्रतिनिधि चुना जाए। वो भी तो संत कबीर नगर में मकान अपना बना लिया। मकान बनाने से कुछ नहीं होता है, जो यहाँ का स्थायी निवासी होता है वो प्राथमिकता रखता है।